जब ये रिटायरमेंट की तरफ आते हैं और एक रहता है घर के अंदर कि हमारे बुजुर्ग रिटायर होके आएंगे तो हमें कुछ लाएंगे, तो क्या इसमें क्या होता है जब रिटायरमेंट होते हैं आप लोग? इसमें अभी हमारा कोई ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा कोई रिटायरमेंट का कोई काम हो, क्योंकि हमने सबसे पहले जब हमारा चयन हुआ था तो सबसे पहले हम लोगों को ये उत्तरदायित्व दिया गया था कि हम जो हैं उनको चिन्हित करें जो लोग निरक्षर हैं। हमने 14 से 35 साल के लोगों को निरक्षर की सूची में उनको क्या नाम जो किया चिन्हित किया, और चिन्हित करने के बाद फिर हमने उनको पढ़ाने का काम किया। तो कब तक पढ़ा सकते हैं आप लोग? मतलब कि इसमें कोई उम्र है, जैसे सरकारी डिपार्टमेंटों के अंदर उम्र होती है भाई 60 साल के बाद आपका जो ये सेवा समाप्त हो जाएगी? जी अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 60 साल के बाद या 70 साल के बाद हमको रिटायरमेंट या कोई हमारी पेंशन होगी या हमारा कोई ऐसा होगा। केवल संविदा कर्मी, क्योंकि मैं जो हूँ उसमें पहले उत्तर साक्षर में भी रहा हूँ, भारत साक्षर उससे पहले प्रौढ़ शिक्षा में भी रहा हूँ, और उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा में रहा हूँ। लेकिन अब जब हम मुझे 700 रुपये मानदेय मिलता था हमने तब भी वही काम किया, और हमारे जो लोग हैं जो हमारे शिक्षक प्रेरक हैं वो ODF में भी काम करते हैं, और ODF के साथ साथ अभी हमने पीछे क्या नाम जो है अखिलेश सरकार में जो महामाया उसकी पेंशन की गणना की थी उस लोग हमें भी उसमें भी गणना की है, और इसके साथ साथ BLO में भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है। क्या मजबूरी है आपकी? आप 2000 रुपये में काम करें, 2000 रुपये में तो आज घर का खर्चा नहीं चला पाते हैं, अगर बच्चा स्कूल जाएगा उसकी फीस भी नहीं जाती, क्या मजबूरी है आपकी 2000 में काम? ये सर बेरोजगारी की समस्या है, यही चाहते हैं कि यार हम सरकार से लगे हैं कुछ हमारा भविष्य में कुछ हो जाए, ये उम्मीद लगी रहती है हमें कि आज हमारे, क्योंकि मैंने 125 से काम किया है, 700 हुए, 2000 हुए, अब हमें ये अपेक्षा कि हमारे 20,000 हो जाए तो हमारा रोजी रोटी कम से कम इतना चल जाए जो हम अपने बच्चों को अचार से खाना खिला दें बढ़िया।